आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, महाभारत में कहा गया है कि मुहूर्त ज्वलितम श्रेया न तू धुमायितम चिरम, जीवन के लिए श्रेयस्कर है एक मुहूर्त में भभक कर जल उठना, बहुत समय तक धुआना ठीक नहीं है। सच्चा जीवन वही है जो जीवन भर दीपक की तरह जलता रहे, किन्तु आज संपूर्ण विश्व 24 घंटे धुआं सा नजर आ रहा है। इस धुआती जिंदगी ने खुद की आंखें भी आंसुओं से भरी है और दूसरों की भी। सच तो यह है कि अगर धुआं ना होता तो अंधेरा भी बेहतर था। चले थे रोशनी की तलाश में, अंधेरे को विक्षिप्त कर दिया, जीवन को धुआं धुआं सा कर दिया, समस्त आज गीली लकड़ी की तरह बनकर रह गया है। जलाओ तो सिर्फ धुआं ही उठता है, जितना गीलापन उतना धुआं। धुआं कोई अग्नि का रूप नहीं है। मूल शिक्षा का सार तत्व यही है कि वह समाज को सूखी लकड़ी में परिणत कर दे, उससे अविवेक, हिंसा, बेईमानी की आते सोख ले, ताकि लकड़ी अग्नि प्रज्वलन का आधार बन सके। आग हमेशा ऊपर ही उठती है, पानी हमेशा नीचे ही बहता है। चाहे मशाल को औंधी कर दे, अग्नि ऊपर ही उठेगी। चाहे दरिया को ऊपर ही उठा दे, पानी नीचे ही बहेगा। पानी लकड़ी की आर्द्रता है, अग्नि लकड़ी का आत्मतत्व है। तभी सूखी लकड़ियों की रगड़ से अग्नि का उद्घाटन होता है। शिक्षा का कार्य आत्मतत्व की अग्नि का उद्घाटन मात्र है, ताकि व्यक्ति सम्यक ऊर्ध्व गति कर सके। ऊर्ध्व जितनी गति के लिए अनंत आकाश है, लेकिन हम ऊर्ध्व तो दूर क्षैतिज विकास भी नहीं कर पाए, उल्टे हमने अधोगामी विकास जरूर कर लिया। पानी की गति सा पाताल की ओर विकास के लबादे में बैठा विनाश, शांति के कपड़ों में छुपी अशांति, निश्चित ही हमारी शिक्षा को शांति के लिए मुहूर्त ज्वलितम श्रेया की ओर बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, लबादे शब्द लबादा से निर्मित है, स्रोत के आधार पर लबादा शब्द है। आपको चार विकल्प दे रखे हैं। आपका पहला विकल्प है तत्सम, आपका दूसरा विकल्प है तद्भव, आपका तीसरा विकल्प है देशज और आपका चौथा विकल्प है विदेशी। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जो ये लबादा शब्द दे रखा है ये किस प्रकार का शब्द है। तो अगर हम बात करें लबादा, तो जो दोस्तों ये लवादा है ये आपका विदेशी शब्द है। ये आपका किस प्रकार का शब्द है? ये आपका विदेशी शब्द है, ये विदेशी शब्द है। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि विदेशी शब्द हम कहते किसे हैं, थोड़ा सा इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं, कैसे हमने पहचाना कि ये विदेशी शब्द है। तो दोस्तों अगर अरबी फारसी अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, जैसे यहाँ पर लबादे शब्द से लबादा बना, इससे निर्मित एक शब्द हुआ लबादा। तो ये शब्द कैसा है? ये विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या फिर अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस कारण जो आपका दोस्तों यहाँ पर घा विकल्प हो जाएगा, विदेशी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।